सलमान खान की रेस 3 फिल्म को रिलीज होने में महज कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में फिल्म की पूरी कास्ट रेस 3 का प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब ऐसी खबर आ रही है कि रिलीज से पहले ही दबंग खान की रेस 3 ने आमिर खान की दंगल को मात दे दी है। ऐसे में इतना तो तय है कि ईद पर रिलीज होने वाली ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। सोर्स की माने तो सलमान खान के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म से रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपए अपने नाम कर लिए हैं। यहां तक कि बिजनेस के मामले में रिलीज से पहले ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक रेस 3 के सैटेलाइट राइट्स 150 करोड़ में बिके हैं। वहीं अगर आमिर खान की फिल्म दंगल की बात करें तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स महज 75 करोड़ में बिके थे। कहा जा रहा है कि रेस 3 के लिए सलमान खान के साथ बड़े नेटवर्क ने हाथ मिलाया है। ये भी कहा जा रहा है कि राइट्स बिकने के मामले में ये सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। आपको बता दें कि रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है। इस फिल्म को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Get on together.